Assalamu alaikum students, the topic we will start today is the mass spectrometry. So aaj hum dekhenge ki mass spectrometry kya hai aur kya iska principle hai and what is its application. Mass spectrometry is an analytical technique which involves the production of gaseous ions from the substance under investigation. Their separation according to their mass to charge ratio and the measurement of the relative abundance of these ions. इसमें हमने क्या करना है कि इसमें जो भी हमारा सैंपल है उसको गैसेस आयंस की फॉर्म में वो प्रोड्यूस करेगी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और वो आयंस कौन से हैं वो अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो एंड द मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस कि कौन से आयंस कितनी ज़्यादा हैं. ठीक है, क्लोराइड सपोज यहाँ पे अगर टॉलोइन है तो पहला फ्रेगमेंटेशन कहाँ पर होगी, एक एरोमेटिक का आयन बनेगा, एक मिथाइल का आयन बनेगा. ठीक है ना, तो मिथाइल के कितने आयंस मौजूद हैं और जो आपका बेंजीन रिंग है उसके कितने आयंस मौजूद हैं. अगर उसके ऊपर कोई क्लोरोइन भी है, टू क्लोरो टॉलोइन है या थ्री क्लोरो टॉलोइन है, देन एक आपके पास आयन क्लोरीन का बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा. तो इस तरह से किसी भी आयन सब्सटेंस में जितने भी फ्रेगमेंट्स उसके मौजूद हैं वो सब क्या होंगे, वो अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो उनकी वो उसमें फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे. तो कह सकते हैं कि वो डिग्रेड होते जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे. फिर वो फ्रेगमेंट्स कौन से हैं, वो कैसे अरेंज होंगे, किस तरतीब से वो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा, वो मूव करेंगे फ्रॉम द आपका जो सैंपल होल्डर था जहाँ पे आपका आयनाइजेशन चैम्बर होता है, यहाँ पर जहाँ से आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो वो वहाँ से जब मूव करेंगे डिटेक्टर की तरफ मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव आयंस विल बी फाइंड आउट. इसमें क्या डिफरेंस है दूसरी टेक्निक से कि बाकी सब में आपने देखा कि जब भी हमने सैंपल रखा तो वो डिग्रेड नहीं होता, जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि सैंपल कौन सा है वो डिग्रेड हो जाएगा. इसीलिए इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बल्कि हम स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका सैंपल है वो दोबारा रिकवर नहीं होता. नेक्स्ट क्या आता है कि ये सबसे पहले किसने बनाया, 1918 में बना था, डैम्स्टर ने बनाया था, फिर 1960 में, एंड सिंस देन इट्स एप्लीकेशन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज अंडरगॉन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. इसका काम क्या है बेसिकली, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे अकॉर्डिंग उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, कितने फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं उन सब का जब हम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी अननोन सब्सटेंस का, किसी भी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या मेजर करके, बाय द मेजरमेंट ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो विद वेरी हाई एक्यूरेसी सो एज टू डिड्यूस देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला. कि जब हमने मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग सारे आयंस के उस सब्सटेंस में जितने भी आयंस मौजूद थे उन सब का हमने जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है वो जब हम उसको सम अप करेंगे तो हमारे पास आपके गिवन सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट हम एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, और जब वो फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे तो उन सब को एंट्रेंस करके उसके ऑब्जर्वेशन लेके हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जो है उसको भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे सकते हैं. आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट्स अगेन फ्रॉम देयर मास टू चार्ज रेशियो विच आर फॉर्म बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रीजनल मॉलिक्यूल आफ्टर आयनाइजेशन टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. वही बात है कि स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल को भी हम जो है वो एस्टिमेट करते हैं, अगर कंपाउंड अननोन है तो उसको उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, और फिर उस पर जो हमने एस्टिमेट किया है उसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए अदर टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं. अगर कंपाउंड बिल्कुल जो है वो बहुत नॉवल है, उससे पहले कभी ऐसा कंपाउंड ना बना ना सुना ना देखा, तो फिर आप उसको फर्दर जो है वो रिकन्फर्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है, स्टीरॉयड है, फ्लेवोनॉइड्स है, एट्रोपिन है, जो भी है, तो ऑलरेडी जो लिटरेचर है उसका उसमें से आप उसको मैच करोगे. ठीक है जी, वेरी फर्स्ट के इसका ये किस तरह से मुख्तलिफ है, ये डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, बाकी सब स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स कौन सी हैं वो कंस्ट्रक्टिव हैं, मीन ये कि उसका सैंपल जो है वो रिकवर हो जाता है.
दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपने जो है किसी एक करेक्टरिस्टिक्स को, जिस तरह यूवी में हमने अनसेचुरेशन को देखा, आईआर में हमने हाइड्रोक उसमें जो है उसके कौन से उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है वो हमने एनालाइज करना था। फिर हमारे पास क्या आया कि जो है आपके पास एनएमआर को, एनएमआर में क्या होता है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, कि अगर प्रोटॉन एनएमआर है तो उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन मौजूद है, अगर कार्बन सी एनएमआर है तो कार्बन एनएमआर में कितने डिफरेंट टाइप प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शरी, फिनोलिक, अल्कोहलिक, कौन सा कार्बन मौजूद है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसमें हम किसी एक एटम के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं, और जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं तो इसमें हमारे पास उसका कंपाउंड का गिवन सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है और उसका जो फ्रेगमेंट्स की बेस पर हम उसका स्ट्रक्चर को भी एलुसिडेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारी टेक्निक्स मिलकर हमें एक कंपाउंड का एनालाइज करैक्टराइज करने में मदद देते हैं। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है आपके लिए, ये है सिर्फ कि बेसिक प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो आपने देखा डाइपोल मोमेंट था, जो आईआर था उसमें चेंज इन डाइपोल मोमेंट था, और जो आपके पास रूबी था उसमें लैम्बर्ट वेल था। यहाँ पे क्या होना है कि आपने लाइट सोर्स को यूज़ नहीं करना बल्कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको फ्रेगमेंटाइज करना है, ठीक है ना। तो हाई एनर्जी हमने इतनी एनर्जी उसको देनी है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रिलीज कर दे। जब वो रिलीज आउट होगा, देखो ना ये मैटर कोई भी सब्सटेंस एम है, उस पर आके कोई इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया तो जो उसकी हाई एनर्जी जब उसे कोलाइड करेगा तो एज अ रिजल्ट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो भी उसके साथ ही बाहर आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। एक जो इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि आयन बन जाएगा। तो इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री हाई एनर्जी एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अंडर हाई वैक्यूम इज बम्बार्डेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ऑलमोस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो सी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे ही होती है, देखो हम इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब जो है 964 जो है किलोजौल पर मोल से ज़्यादा के इम्पैक्ट पर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट के साथ उसको जो है कोलाइड करते हैं, तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाता है, आपने उसको एक रेडिकल कैटायन की फॉर्म में मॉलिक्यूल को छोड़ा था, ठीक है जी। तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो उसको एमिट करेगा, सपोज यही जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी है आप कह लो कि टॉलोइन की ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से निकल जाएगा, तो सपोज अगर पहले वेट उसका 178 है तो अब क्या हो जाएगा 177 रह जाएगा उसका, ना ठीक हो गया। तो रेडिकल, तो ये जो है ये जो आयन बना है वेरी फर्स्ट आयन जो होगा ये सबसे हाई मास टू चार्ज रेशियो पर आएगा, फिर जैसे जैसे इसके बम्बार्डमेंट होती जाएगी पहले मिथाइल ग्रुप लैदा होगा, फिर मिथाइल के बाद फर्दर जो एरोमेटिक के रिंग है वो भी कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड जो है वो फ्रेगमेंटाइज होता जाएगा फर्दर। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिसलॉज्ड निकल गया एंड अ सिंगली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन इज प्रोड्यूस्ड। The molecular ion which is produced in this primary process is radical cation. It has an unpaired electron and positively charged. This is the basic principle. क्या तो वो कहते हैं कि तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायर होती है एनर्जी, इसलिए हम उसको कि कोई भी मॉलिक्यूल जितना भी स्टेबल है उसको उसकी जो है कन्फर्म करने के लिए आयनाइजेशन को हम उसे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ जो है वो बम्बार्ड करते हैं। The high energetic electron not only ionize the organic molecule but also impart a large amount of energy to molecular ions. उससे एक molecular ions बहुत ज़्यादा energy भी बनते हैं। The molecular ion dissipate this excess energy by breaking up into smaller ions called fragment ions. ठीक है, अब वो ना सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा बल्कि क्या होगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे वो उसको डेसिपेट करेंगे, एक्सेस एनर्जी को आपस में कोलाइड करेंगे और फिर ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर आयंस कॉल्ड फ्रेगमेंट आयंस। देखें ये जो आयन बना था ये फर्दर क्या करेगा, जब मजीद से इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करेंगे तो ये फर्दर अपने फ्रेगमेंट्स में जो है वो
डिवाइड हो जाएगा और इन दिस वे द पॉजिटिवली चार्ज आर सेपरेटेड बाय डिफ्लेक्शन इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, कि जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के जो है उस पाथ पे जाते हुए जो आपका ये आयन है फ्रैगमेंट मास्टर चार्ज रेशियो वाला वो डिटेक्टर की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। द आयंस आर डायरेक्टेड इनटू एन एनालाइजर ट्यूब सराउंडेड बाय अ मैग्नेट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी यहाँ से डायग्राम, ये देखिए ये आपका सैंपल होल्डर है, यहाँ से इसके आयनाइजेशन हो उसने गैसेज फॉर्म में जाना है, फिर आयनाइजेशन चैम्बर में आता है। आयनाइजेशन चैम्बर में हमसे हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन प्रॉब है उससे सैंपल को हिट करते हैं, एज अ रिजल्ट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बनते हैं, वो एनालाइजर में जाते हैं, एनालाइजर के अप एंड डाउन पे मैग्नेट है और वो अपने अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज कौन सा है वो डिफ्लेक्ट होंगे अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, तो ये यहाँ से इजेक्ट होंगे जितने भी लाइटर आइंस कौन से हैं वो यहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं, जो आपका जितना हैवियर है वो उसका जो पार्टनर था वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और वो एज अ रिजल्ट वो उसकी डिटेक्शन ग्रेजुअली लेटर होगी। इस तरह की इसकी कुछ है, थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी से, ये आप ना कीजिएगा बस, ये उसके प्रिंसिपल तक रहिएगा। By varying either the strength of the magnetic field or the extent to which the ions are accelerated while entering the analyzer, the ions are resolved into a series of ion beams which are homogeneous with respect to their mass to charge ratio. So, मैंने भी आपको दिखाया कि एक सीरीज चाहिएगी लाइटर आइंस की, उससे भी जाएगी तो उससे ज़्यादा जिनका मास टू चार्ज रेशियो है और इसी तरह से ग्रेजुअली वो डिटेक्टर से एनालाइज होते जाएंगे। द आयन बीम ऑफ पर्टिकुलर मास टू चार्ज कैन बी selectively focused through a narrow slit on to an ion collector where it generates the current. Currents produce hoga proportional to the relative abundance of the ions. Ki jitne ions zyada honge uski utne hi current zyada produce hoga, which is recorded as a spectrum. The mass spectrum in fact is a plot of relative intensity of the ions against their dimensionless mass to charge ratio. The vast majority of the gaseous ions which are produced in the mass spectrometer are singly charged. The mass to charge ratio of the ions is therefore essentially equal to their masses. Masses के equal होते हैं क्योंकि वो normally singly charged होते हैं, तो वो जितना mass ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास जो है वो double charged ions are not uncommon. Double charged ions are deflected much more than the single charged ions and appear in the mass spectrum at half the mass to charge value. तो उसके mass to charge value जितनी है उसका half करेंगे तो फिर वो वहाँ पे जो double charge है वो produce होंगे। For example, double charged ions of mass 90 give rise to peak at 45. Natural species, neutral species, radicals cannot be detected in the mass spectrometer. तो basic इसकी condition क्या हुई कि आपका sample gaseous होना चाहिए, अगर वो sample वोलेटाइल नहीं है गैसेज नहीं है तो क्या होगा आपको उसको डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड क्या करेंगे हम उसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके नतीजे में क्या होगा वो फ्रेगमेंटाइज होगा और जिस तरह से पहले फर्स्ट जो फ्रेगमेंट होगा वो क्या होगा जिससे कोई सिंगली चार्ज आयन होगा और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा रेडिकल कैटायन बनेगा जिसकी अपनी एक पीक होगी। अब इसका स्पेक्ट्रम आपने देखे इसका कहा और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टेक्निक्स। ठीक है ना, एक तो ये बात होगी। अब इसका मास स्पेक्ट्रम कैसा होता है, मास स्पेक्ट्रम में भी स्कैंड फ्रॉम लो टू हाई मास और फ्रॉम हाई टू लो मास, हमने अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट करना है कि हमारा जो है वो हमने हाई से लो की तरफ जाना है, सबसे जो लेफ्ट राइट पे हाई का होगा हाई मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी या लो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। ये शार्प होती है अपीयर एट इंटीग्रल मास वैल्यू, द प्रोमिनेंट पीक एट द हाईएस्ट मास टू चार्ज वैल्यू is known as molecular ion peak or the parent ion peak, जिससे हमें देखिए आपको ये देखिए जिस तरह ये प्रोपेन के साथ है टू क्लोरो प्रोपेन, ये बी जो है वन ब्रोमो प्रोपेन है और ये टू क्लोरो प्रोपेन है। तो ये ब्रोमो प्रोपेन को अगर हम देखें वन ब्रोमो प्रोपेन
वन ब्रोमोप्रोपेन में जब एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 122। तो ये 122 पे जब एक ये क्या बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो 122 इज द हाईएस्ट। या 124 क्या है कि ब्रोमीन के जितने भी आइसोटोप्स हैं, ये जो स्मॉलर पीक्स हैं ये किसकी हैं, आइसोटोपिक पीक्स हैं। तो जो आइसोटोप्स के साथ हैं वो भी स्मॉलर पीक्स आएंगी, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो तब इसके हमारे पास इसका एक जो है वो हाईएस्ट पेरेंट आयन पीक कहेंगे इसको। उसके बाद क्या आता है, एक ये पीक है जो कि जिसकी मैक्सिमम अबंडेंस सबसे ज़्यादा है। ये क्या शो करेंगी, एक हमने देखनी है कौन सी पीक सबसे हाई मास टू चार्ज रेशो पे है, एक्स एक्सिस पे क्या आना है इसके मास टू चार्ज रेशो, और वाई पे क्या आना है रिलेटिव अबंडेंस, कौन से आयंस कितनी मिकदार में मौजूद है, रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उस आयन से, उसकी रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। अब ये इसके क्या है, ये आयंस कम है लेकिन क्या है कि इसके मास टू चार्ज रेशो सबसे हाई है। इससे हमें पता चलेगा कि इसका मॉलिक्यूलर जो भी सैंपल है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, और ये जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ये हमें क्या बताएंगे कि अगर ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसकी एक पीक आएगी, स्मॉलर पीक्स कौन सी छोटी उसके साथ साथ आएंगी, ये उसकी आइसोटोपिक पीक्स होंगी। तो इन दिस वे इसका स्पेक्ट्रम जो है वो हमें हेल्प आउट करता है। हाँ जी, ये देखिए मॉलिक्यूलर आयन पीक आपको पता चल गई, जिसको पेरेंट आयन पीक भी कहते हैं, ये मास मैक्सिमम मास टू चार्ज रेशियो पे मौजूद होगी। द अदर पीक्स एट लोअर मास टू चार्ज वैल्यू आर ड्यू टू फ्रेगमेंट आयन और फ्रेगमेंट आयन पीक, उनको हमने क्या कहना है फ्रेगमेंट आयन पीक। क्या बाकी जितनी भी पीक्स हैं उनको क्या कहना है फ्रेगमेंट आयन पीक्स। मोस्ट इंटेंस पीक करस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट अबंडेंट आयन इज इन द स्पेक्ट्रम, से मैंने भी बताया जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा थी उसको क्या कहना है बेस पीक। और ये किसी भी जगह पे हो सकती है, तकरीबन ये 100% आर्बिट्ररी वैल्यू इसकी नियर टू 100% होती है, इसको हम कहते हैं बेस पीक, जो हमें बताती है कि सबसे ज़्यादा आयन स्टेबल कौन सा है और किसके जो है वो अबंडेंस सबसे ज़्यादा है। इन द मास स्पेक्ट्रम शोन फिगर 5.5 द पीक एट मास टू चार्ज रेशियो 230 मास टू चार्ज 115 आर द मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड द बेस पीक। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द अदर आयंस जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी होता है डिटरमिंड फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पीक्स रिलेटिव टू दैट ऑफ द बेस पीक। ऑफ कोर्स द मॉलिक्यूलर आयन पीक सम टाइम मे बी आल्सो, ये भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वही बेस पीक हो। इसके साथ कहता है कि जो पीक्स होती हैं उनके साथ एक या दो छोटी पीक्स होती हैं, ये किस तरह की होती हैं, स्मॉल पीक्स आर द आइसोटोप्स पीक व्हिच अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट द मेनी एलिमेंट प्रॉबली प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर नेचुरली अकंपेन्ड बाय अदर आइसोटोप्स एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन हैवियर आइसोटोप रादर देन कॉमन आइसोटोप। आपको पता चल गया कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, हाउ इट वर्क्स, कैसे करती है ये, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और इसका जो स्पेक्ट्रम है वो जो आपको स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा वो उसके एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान होगा, उसमें कौन सी तीन इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिसको हमने स्टडी करना है। ठीक हो क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है कि हमें मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाता है, मॉलिक्यूलर आयन पीक से हम इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमिन कर सकते हैं। ये इसकी जो सी है तो बेसिकली एप्लीकेशन है, और ये फर्दर हर अकॉर्डिंग टू ईच मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है वो उसकी क्लीवेज जो है वो अल्फा क्लीवेज होगी, बीटा क्लीवेज होगी, पैटर्न जो है वो फ्रेगमेंट्स का क्या होगा, ये सारे प्राइमरी स्टैंडर्ड टर्शियरी ये फिर अगर कौन सा है आपको से नेक्स्ट जो कोर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर का कंप्लीट या आप उसमें एनालाइज करेंगे। इस कोर्स के लिए दिस इज द मास स्पेक्ट्रोमीट्री का इंट्रोडक्शन, उसकी प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक न्यूक्लियर नेम से ही आपको पता चलता है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनवायरनमेंट उसकी एक्साइटेशन को देखा था, यहाँ पे हमने न्यूक्लियस के साथ डील करना है। NMR में किसके साथ डील करना है, न्यूक्लियस के साथ। तो न्यूक्लियस क्या स्पिन करेगा, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से आया उसकी स्पिन कौन सी है वो अल्फा है या बीटा है, हाई एनर्जी स्पिन है लो एनर्जी स्पिन है। अभी हम इसको देख लेते हैं इसका क्या प्रिंसिपल है, और ठीक है ना,
इज कंसर्न विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का मूवमेंट देखनी है हमने, और किसके साथ देखनी है, मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टीज के साथ देखनी है कि उसके मैग्नेटिक फील्ड में उसका न्यूक्लियस कैसे बिहेव करता है। तो कहता है ऑल न्यूक्लियर कैरियर चार्ज एंड सम ऑफ देम स्पिन अबाउट देयर एक्सिस इन अ मैनर दैट इज एनालॉग टू दैट इन विच इलेक्ट्रॉन स्पिन अबाउट देयर एक्सिस। द न्यूक्लियर वो स्पिन क्वांटम नंबर इज जीरो, वो स्पिन नहीं करेंगे, वो इसके लिए इनएक्टिव होंगे। द सिंबल आई इज यूज, योर स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। वो कहता है स्पिन क्वांटम नंबर जीरो होता है जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इवन अमाउंट हो। हीलियम के केस में दो है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर फोर है, तो क्या होगा इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो जीरो है। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल एटम्स जिनका मास नंबर या एटॉमिक नंबर जो है वो इवन होगा उसका स्पिन क्वांटम नंबर जीरो होगा। जब उसका स्पिन क्वांटम नंबर जीरो होगा उसको हम एनएमआर में स्टडी नहीं कर सकते। एटॉमस जिसके उसका हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर ओड है लेकिन मास नंबर इवन है, या अगर एटॉमिक नंबर इवन और मास नंबर ऑड है तो तब भी ये एनएमआर सेंसिटिव है। ये एटम्स और इलेक्ट्रॉन इनके न्यूक्लियस को हम स्टडी कर सकते हैं। अब जो इसमें क्या है कि अगर हमने ये क्या प्रोटॉन एनएमआर या कार्बन एनएमआर C13 एनएमआर हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जिसका न्यूक्लियस है उसके लिए ही हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो सिर्फ हाइड्रोजन एनएमआर क्या है, सिर्फ प्रोटॉन एनएमआर होगा। कि एक मॉलिक्यूल में ये मिथाइल जो है वो मिथाइल प्रोपेन है तो क्या होगा कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन एक में जो है वो सॉरी क्लोरोप्रोपाइल है, क्लोरोप्रोपाइल है या प्रोपेन है, वन क्लोरोप्रोपेन टू क्लोरोप्रोपेन जिस पोजीशन पे मौजूद है तो उसमें एक प्राइमरी दो प्राइमरी कार्बन है, एक सेकेंडरी कार्बन है, तो दो तरह के हाइड्रोजन उसमें मौजूद होंगे या सॉरी एक ही तरह के होंगे। देखो मैं इसमें दिखाती हूँ, वाइट बोर्ड से शो करती हूँ। ये कार्बन है, कार्बन कार्बन यहाँ पे क्या लगा है H3 और यहाँ पे भी है CH3 और ये यहाँ पर एक लगेगा HCl कलर। तो अब क्या है ये इसमें कितनी तरह के प्रोटॉन्स मौजूद हैं, एक दो ये मिथाइल ऐसे मिथाइल के जो हाइड्रोजन है ऐसे हाइड्रोजन है जो कि एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें दो तरह के प्रोटॉन्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये वन टाइप मिथाइल का और एक जो है ये एच। तो इस तरह मतलब है इस जब हम एनएमआर में प्रोटॉन एनएमआर में स्टडी करेंगे इस मॉलिक्यूल को तो ये क्या शो करेगा कि जो प्रोटॉन का न्यूक्लियस है वो कितने डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसको जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर वेट हमें उससे पता चल गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, कितने जो है अदर ऑक्सोक्रोम लगे हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जब हम प्रोटॉन एनएमआर देखते हैं तो हमें बहुत डिटेल से इसके एनालिसिस करने में हेल्प आउट कर देता है कि इसमें कितनी तरह के पोजीशन ऑफ द जो आपकी क्लोरीन है या ब्रोमीन है वो क्या पॉसिबिलिटी है, और जो कंजुगेशन कहा है तो डबलेट है ट्रिपलेट है, उससे हमें कंप्लीट एक पिक्चर मॉलिक्यूल की क्लियर हो जाती है, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या बात हमने देखी कि इसमें न्यूक्लियस का इफेक्ट देखना है, न्यूक्लियस की स्पिन देखनी है, और न्यूक्लियस की स्पिन किसमें देखनी है अंडर द मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, किस तरह के न्यूक्लियस कौन से हैं वो एनएमआर के लिए सेंसिटिव है और किस तरह के न्यूक्लियस एनएमआर के लिए इनसेंसिटिव है ये आपने देखना है। ऑल न्यूक्लिया एक्सेप्ट द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन विच कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटॉन ओनली आर कंपोज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड हैव हाफ स्पिन। इफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ पी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट्स टोटल स्पिन विल बी वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ द पी प्लस एन। तो कहते हैं दस द स्पिन ऑफ द हाइड्रोजन आयन क्या है हाफ है, जब उसको हम कर देते हैं इवन इवन दोनों हो जाते हैं तो दोनों क्या करते हैं कि वो दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो जिसकी वजह से स्पिन क्वांटम नंबर जीरो हो जाता है। ड्यूटेरियम एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन माइट हैव अ स्पिन ऑफ वन या फिर जीरो,
depending on whether the spin of proton at the neutron or are parallel or anti-parallel. लेकिन कोई ऐसा time जरूर होगा जबकि वो उससे opposite होंगे, जिसके नतीजे में उसका जो है वो क्वांटम नंबर या तो जीरो होगा या फिर वन होगा, जिसकी वजह से वो उसको हम हायर सेंसिटिव कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से वो कहता है कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का भी केस है, लेकिन आपके जो है यहाँ तक क्या है कि हमने इसमें जो है न्यूक्लियस को स्टडी करना है और एक न्यूक्लियस को ही स्टडी करेगा एक मॉलिक्यूल। अच्छा, अब इसका ये देखिए भाई, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जस्ट आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है एनएमआर का। ये न्यूक्लियस है जो कि रैंडमली मूव कर रहा है। जब हमने इसको ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देनी है तो क्या होगा कि वो अलॉन्ग द स्पिन, अल्फा स्पिन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी जो है वो अलाइनमेंट की तरफ मूव कर देंगे। न्यूक्लियर टेंड टू अलाइन आइदर अलॉन्ग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो अलॉन्ग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मूव करना शुरू कर देते हैं, जो न्यूक्लियस इनमें से अलॉन्ग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मूव करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा स्पिन। और जो ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मूव करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, बीटा स्पिन। हम कहेंगे दिस इज द बीटा स्पिन। द मैग्नेटिक डाइपल्स अलाइन अलॉन्ग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द लोअर एनर्जी स्टेट। जो कहता है कि अलॉन्ग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो लोअर एनर्जी स्टेट, वाइल द मैग्नेटिक डाइपल्स अलाइन अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द हाई एनर्जी स्टेट। इनको हम क्या कहेंगे, हाई एनर्जी स्टेट। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा एंड बीटा इज स्टेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट एंड इज गिवन बाय। तो ये वो फार्मूला है जिसके थ्रू हम इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके जानने के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि कितनी तरह की स्पिन होती है, अल्फा एंड बीटा। जो हाई एनर्जी स्पिन है वो कौन सी है, बीटा स्पिन है। उसमें जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, आपके न्यूक्लियस की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा और उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब ये आपस में स्ट्राइक करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये कौन सा है, ये अल्फा स्पिन में चला जाएगा और ये बीटा स्पिन में चला जाएगा। तो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस इज प्रेजेंट, ठीक है। बट द लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी है, वो हमेशा जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो लोअर एनर्जी स्टेट में होता है। तो क्वाइट अबंडेंस ऑफ लो एनर्जी स्पिन इज ऑलवेज इन एक्सेस रादर देन द हाई एनर्जी स्टेट। और ये शिफ्टिंग कैसे होती है, जस्ट बाय रिलैक्सिंग, कि या तो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा कर वो एक दूसरे को शिफ्ट करते रहते हैं एनर्जी। जो पहले हायर पे था वो लोअर पे चला जाएगा, जो पहले लोअर पे था वो फिर बाद में हायर पे चला जाएगा। या सेकंड फॉर्म क्या होता है कि आपने देखा कि सम टाइम चीज जो है वो आप पकड़ते तो वो ऑलरेडी हीट अप हुई होती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफर करने के बजाय वो एनर्जी हीट की फॉर्म में डेसिपेट कर रहा होता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं या तो स्पिन स्पिन कोलिजन के तहत वो स्टेबल होता है, या फिर स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन कि वो आप हीट की फॉर्म में डेसिपेट कर देता है एनर्जी, ठीक है जी। तो ये था आपका एनएमआर का इंट्रोडक्शन, एनएमआर क्या करता है और एनएमआर की एप्लीकेशन क्या है। कि हमें इसका इसके जोन से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी एज कम्पेयर के आपके अदर टेक्निक्स के, इसका ये देखिएगा, इसके अगर आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाते हो इसके, इस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी से और मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम प्ले कर रहे होते हैं। सैंपल ट्यूब है आपकी, ठीक है ना, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड भी देनी है, यहाँ से इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप भी करनी है। हम ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि इसके जो एनर्जी है वो आपका जो न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी के सेम होगी, और जब हम उससे ज़रा हाफ पे जाएंगे तो वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो सैंपल है वो न्यूक्लियस कौन सा है वो जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड हमें पता लिखें कि हम कितने से मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, और यहाँ से हम उसके रीडर डिवाइस एम्पलीफायर और रिकॉर्डर से उसकी एनर्जी चेक होगी। इसका जो स्पेक्ट्रम है बेसिकली वो काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी है कि इसमें हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो लेते हैं ना वो उसके केमिकल शिफ्ट कहते हैं उसको। एक्स एक्सिस पे हम इसकी क्या लेते हैं, जो केमिकल शिफ्ट लेते हैं, और जो उसके ऑपोजिट जिसके हम देख रहे होते हैं तो कितने मेगा हर्ट्ज़ कौन सा ना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें इसको अप्लाई। अब आप आ जाओ इसकी एप्लीकेशन पे डायरेक्ट, बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा के तो इसकी एप्लीकेशन पर अगर हम आ रहे हैं तो एप्लीकेशन इसकी क्या है।
कि हमें इसके एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो जिस तरह से हमने देखा कि मैथ्स में हमने देखा कितने फ्रेगमेंट्स बने हैं, वो फ्रेगमेंट्स किस किस जगह पे अटैच हो रहे हैं, तो वो हमें NMR के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि NMR के थ्रू हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब लैदर से स्पेस जो है वो नहीं दी हुई, यही बेसिकली ये डिटरमिन द स्ट्रक्चर कंपोजिशन में हेल्प आउट करता है। और फर्दर ये दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक टेक्निक्स कि अगर हमने कोई सिंथेटिक केमिस्ट्री है तो कोई भी ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल कौन सा है वो उसको आप रीड आउट नहीं कर सकते विदाउट एनालाइजिंग योर सैंपल अंडर द NMR। ठीक है, तो NMR जो है ये कंफर्म करता है आपके मॉलिक्यूल को, अगर उसके पीच कौन सी है वो सेम आ रही है, एनवायरमेंटल कंडीशन सेम है, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा उसका स्ट्रक्चर कन्फर्म। ठीक है जी, तो ये था आपका लेक्चर और दिस इज द लास्ट लेक्चर। आपका जो भी 508 का कोर्स है उससे रिलेवेंट अब आपने मास और NMR का बेसिक प्रिंसिपल आपको मैंने बता दिया है और उसके थोड़ा सा किसके इंस्ट्रूमेंट कैसे है और उससे आपको क्या क्या इसकी फील्ड एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है जी, इससे रिलेवेंट आप उसको सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये दो तीन टॉपिक्स हैं, उन्हें आपको दो तीन पेजेस ही बनेंगे कि जो आप उसको रीड आउट कर लें तो फिर मैं आपको उसके जो है बता दूँगी पेज से मैंने इसके पीछे, तो उससे फिर आप उसको रुक के आते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।